सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के हमारे पत्रकार भाई, पिछली बार जब हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों को पता होगा कि अमरेंद्र कुमार के जो भाई थे वो हम लोगों के साथ थे। पूरी घटनाक्रम को उन्होंने आप लोगों के सामने रखा और आप लोगों के सामने घटनाक्रम रखने के बाद जो है, मंत्री जी के जो भतीजे हैं वो उनके घर पे जाते हैं और उनके घर पे बूढ़े माँ बाप वो रहते हैं, वहाँ उनको धमकी दी गई। हमको सूचना तुरंत अमरेंद्र के भाई ने दिया और हमने वहाँ तात्कालीन ही उस समय वहाँ मुजफ्फरपुर के एसपी से इस घटना का जिक्र किया और सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने कहा था कि सुरक्षा दी जाए, कुछ भी हो सकता है। और आप हिम्मत देख सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी उसी वक्त उसके भतीजे मंत्री के वहाँ पहुँचते हैं और धमकाने का काम करते हैं। शुरू के दौर में अगर देखा जाए, जब इल्ज़ाम लग रहा था मंत्री जी पर, तो मंत्री जी ये कहते थे कि मेरा भाई से 10 साल से कोई रिश्ता नहीं है, ना मिलना है और ना ही स्कूल के बारे में। वो जब बात कहते थे तो कहते थे कि स्कूल का जो है एग्रीमेंट हो रखा है। जब पिछली बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया, ज़मीन उनके भाई के नाम पे है, स्कूल का नाम उनके पिता के नाम पे है, व्यवस्थापक जो हैं उनके भाई हैं और संस्थापक जो हैं मंत्री जी खुद हैं, वो बोर्ड की पिक्चर भी हमने आप लोगों को दिखाई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंत्री जी ने कबूल किया कि हाँ, ज़मीन उन्हीं के भाई की है जो कि बंटवारा हो गया था। उन्होंने ये स्वीकार किया जो अब तक कहते थे कि स्कूल जो है उनका नहीं है, उनके भाई की नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि स्कूल जो है उन्हीं की भाई की है। और आप देख सकते हैं कि लगातार मंत्री ने हम सब लोगों को, आपको, बिहार की जनता को गुमराह करने का काम किया। ये घटना जो है 8-9 नवंबर की 2020 की बात है और हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि जब कुछ सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि मंत्री का भाई का ज़मीन है, उसी का परिसर है, स्कूल उन्हीं का है, तो अब तक मंत्री जी के भाई की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अगर आप को हम दिखाना चाहेंगे, एक पुलिस डायरी हमारे पास है जिसमें कि पूरा रिपोर्ट का जिक्र है। इस पुलिस डायरी में स्पष्ट लिखा है कि परिसर के मालिक जो हैं हंसलाल राय, साफ तौर पे लिखा है। और एक सूचना और देना चाहेंगे, लोग खानदान की बात करते हैं लेकिन हम इतनी अच्छी बात और निचले स्तर पे जाकर के ये बातें नहीं करेंगे। आप देखिएगा, एक जानकारी, इनके भाई जो हैं उन पर FIR ही नहीं है बल्कि मंत्री जी के जो भगिने हैं उन पर भी FIR, और ये पुलिस डायरी में बाकायदा जो है मेंशन है। उनके भगिने का नाम हुआ संजीत कुमार, साफ तौर पे यहाँ पुलिस डायरी में संजीत कुमार जी का नाम भी जिक्र है जो कि मंत्री जी के भगिने हैं। इसमें एक और जानकारी हम आप लोगों को देना चाहेंगे, कि जो गाड़ियां बरामद हुई उस परिसर में से, पिकअप वैन एक बरामद किया गया, वो पिकअप वैन नंबर जो है हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। परिसर मालिक हंसलाल राय
पिकअप नंबर BR06119996 मालिक हंसलाल राय, वो जो पिकअप वैन जो बरामद हुआ है उसके मालिक भी जो हैं वो मंत्री जी के भाई हंसलाल राय जी हैं, जो कि साफ तौर पे पुलिस डायरी में लिखा गया है। इसमें ये भी लिखा है इस पुलिस डायरी में, अगर आप जाएं तो अवैध शराब, इस तरह के अवैध शराब का व्यापार करना व खरीद बिक्री करना एक संगनीय अपराध है एवं परिषद मालिक हंसलाल राय के परिषद को विविधित सील किया जाता है। ये पुलिस डायरी में, यानी पुलिस कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, पुलिस कह रही है कि इस तरह का अवैध शराब का व्यापार करना, शब्दों पे गौर कीजिएगा, इस तरह का अवैध शराब का व्यापार करना व खरीद बिक्री करना एक संगनीय अपराध है। यानी साफ तौर पे जो बातें हम पे कही गई कि हमने आरोप लगाए, तो हमने तो आरोप बिना तथ्यों के लगाए नहीं है, हमारे पास एविडेंस है। अगर कोई चीज सदन पर हम रखना चाहते हैं, हम मंत्री जी चाहे कितना भी बयान दे दे कि हमारा खानदान कैसा है नहीं है, लेकिन मंत्री जी को याद करना चाहिए, जब लालू जी की सरकार थी तो उन्हीं के भाई को डीएम ने झांपड़ मारा था और गिड़गिड़ाते हुए पूरा परिवार तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू जी के पास पहुंचा था, उस समय डीएम का ट्रांसफर भी करना पड़ा था। इनके भाई संलिप्त हैं, पुलिस कह रही कि शराब की बिक्री कराते हैं, तस्करी कराते हैं, पिकअप वैन जो है इनके भाई का पकड़ाता है, इनके परिसर से पकड़ाता है। और आपको पता होगा कि एक पारू बगल के जो विधायक हैं, पारू के विधायक, पहले तो मंत्री जी कहते रहे कि 10 साल तक मेरा कोई लेना देना नहीं, जब हमने फोटो दिखाया कि मंत्री जी आप तो परिसर में बैठ करके उद्घाटन कर रहे हो स्कूल का, और एक बार नहीं दो बार जाकर के आप जो है खेल कूद का मेडल भी दे रहे हैं, और ये भी बात नहीं, उन्होंने बल्कि बगल के जो पारू विधायक हैं अभी तत्कालीन, उनको भी फोन कर करके बुलाया उनके स्कूल में, मंत्री जी इनवाइट कर रहे हैं, मतलब वो वीडियो भी पारू के विधायक जी का हम लोग रिलीज कर देंगे, दिखा देंगे, वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में। पहले तो मंत्री जी कहते थे कि मेरा स्कूल से लेना देना नहीं है, हम कभी गए नहीं हैं, मेरा भाई से 10 साल का रिश्ता नहीं है, फिर मंत्री जी कहते कि नहीं सार्वजनिक जीवन में हम लोग नेता लोग हैं तो हम लोग जाते रहते, कोई बुलाएगा तो हम जाएंगे। चलो ये भी बात मान लेते कि चलो गए बुलाने पे, जो रिश्ता ठीक नहीं था स्कूल के उद्घाटन के बाद सब ठीक हो गया मान लेते हैं, तो आपने पारू के विधायक को फोन करके न्योता क्यों दिया, किस अधिकार से दिया, जब आपका कोई लेना देना नहीं है। अब बल्कि ये हमने नहीं कहा, ये पारू के विधायक का खुद भी वीडियो है। और उस घटनाक्रम में हमने ये भी सवाल पूछा था कि आपके पास थोड़ा सा भी तथ्य है मंत्री जी तो आप एग्रीमेंट का पेपर ले आइए, वो आज तक जो है एग्रीमेंट का पेपर नहीं ला पाए। हमने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछा, हमने पूछा था जो रेंट हुआ होगा उसका ट्रांजैक्शन भी होगा, अकाउंट का जरा डिटेल भी दे दिया जाए। और उसके लड़के ने, सॉरी अमरेंद्र के भाई ने ये भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, क्या कहा था कि अमरेंद्र ने ही पुलिस को फोन करके बुलाया। अब जिसने फोन करके पुलिस को बुलाया वही जेल में है, अब मंत्री जी के भाई भागीने जो हैं वो बाहर हैं। घटना कब की है, नवंबर की है, आज नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, लगभग जो है पांचवा महीना खत्म होने जा रहा है, और पांच महीने में भी मंत्री की भाई की गिरफ्तारी नहीं होती है,
मंत्री जो है खुद और विधायकों को फोन करके बुलाता है शामिल होने स्कूल के उद्घाटन में, या और किसी चीज को लेकर के बुलाया होगा स्कूल में, तो हम तो साफ तौर पे एविडेंस रख रहे हैं। हमारे पास जब भी हम बात करते हैं तो बिना तथ्यों के, बिना कोई डॉक्यूमेंट के तो हमने बात नहीं की है, कोई आरोप नहीं लगाया है। लेकिन मंत्री जी ने जितनी बार भी सफाई दी है, एक भी कागज का टुकड़ा दिखाया है? एक भी कागज? केवल और केवल अभिभाषण। उनके भाई ने कहा था कि पुलिस को अमरिंदर ने बुलाया, तो हमने ये भी मांग की थी जरा CDR का रिपोर्ट निकालो, कि उसके भाई का भी निकालो, थाने का भी निकालो, कि फोन गया था कि नहीं गया था। अब हम मांग करते हैं कि उनके भाई थाने का तो निकालो ही निकालो, साथ में CDR जो है मंत्री के भाई का भी निकालो, कि अमरिंदर ने मंत्री को जिसका परिसर है उसको सूचना दिया कि नहीं दिया। उसने उसको भी फोन किया लेकिन फोन उठाया नहीं था मंत्री जी के भाई ने। मंत्री जी के भाई का CDR निकाला जाए, और हम तो चाहेंगे कि मंत्री जी का भी फोन का CDR निकाला जाए, पता चल जाएगा भाई से कितना अच्छा रिश्ता है कि नहीं है। तो हमारी मांग पे मुख्यमंत्री खामोश बैठे रहते हैं। आप बताइए, मंत्रिमंडल उनका है, होम डिपार्टमेंट उनका है, और मुख्यमंत्री जो है मुंह में दही जमा करके कल सारा तमाशा देखते रहे, कितनी अशोभनीय घटना, वो भी तब जब गृह डिपार्टमेंट की मांग पे चर्चा चल रही है। हमको सदन में इन डॉक्यूमेंट को रखने नहीं दिया गया, पूरी बात नहीं कही गई। एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है बाद में आइएगा, कमरे में आइएगा, ये कमरे में क्यों आए भाई? अगर हम गलत बोलेंगे हम पे कार्रवाई करो, मानहानि का मुकदमा करना जल्दी थोड़ा कर दीजिए। मेरा अधिकार बनता है सदन के पटल पे बिहार की जनता को अवगत कराना कि हकीकत कैसे चल रहा है। बात बात पे बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो स्पीकर को गाइड कर रहे हैं, आसन को गाइड कर रहे हैं, एक मंत्री जो है मुक्का दिखा रहे हैं, एक मंत्री जो है फरिया लेंगे खानदान पे आ जाते हैं, और मुख्यमंत्री वहीं बैठ के सारा तमाशा देखते हैं। ये तो पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। और हम तो ये कहेंगे कि 1 अप्रैल को याद कीजिएगा, 1 अप्रैल का दिन जो है बहुत खास होता है। मुख्यमंत्री जी, अगर आप 1 अप्रैल तक उसके भाई को गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं, तो आप एक काम कीजिए, 1 अप्रैल का दिन बहुत खास है, हम मुख्यमंत्री जी को सुझाव देंगे, अगर वह समर्थ हैं मंत्री को बर्खास्त करने में और मंत्री के भाई और भगिनी को गिरफ्तार करवाने में, तो मुख्यमंत्री जी को 1 अप्रैल का दिन खास इसलिए है कि 1 अप्रैल के दिन ही मद्य निषेध कानून को लागू किया गया था, और 2021 में वो 5 साल 1 अप्रैल को हो जाएगा। तो 1 अप्रैल तक अगर गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं, तो हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी एक ठेका जो है CM हाउस में खोल लें, और एक और ठेके जो है मंत्रियों के आवास में खुलवा दें, इससे अवैध शराब की तस्करी नहीं होगी, आपको मंत्रियों को जो है बर्खास्त करने की ज़रूरत नहीं होगी, और गांधी जी भी बड़ा प्रसन्न हो रहे होंगे आपके इस करतूत को देख करके। बापू का बार बार जिक्र करने वाले, मद निषेध को लेकर के जिक्र करने वाले, सुशासन की बात करने वाले, ना बचाते हैं ना फंसाते हैं की बात करने वाले, न्याय के साथ विकास करने वाले की जो बातें हैं, आप जरा सुन लीजिए। मेरा तो सुझाव होगा कि जरा 1 अप्रैल तक नहीं गिरफ्तार कर पाता है मुख्यमंत्री, नहीं कर सकते हैं, तो आप जरा दुकान खुलवा लीजिए, क्या स्थिति बनी हुई है। अब जिसका भाई 5 महीने से मंत्री का भाई क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ, क्योंकि वो मंत्री का भाई, एक तरफ गरीब को फांसी पे सजा हो रही है, कई लोगों का बिना ट्रायल जो है वो केस चल रहा है, लेकिन मंत्री के भाई गिरफ्तार हो ही नहीं सकते। शराबबंदी कानून को लेकर के तो करियर जो है वो पकड़े जा रहे हैं छोटे मोटे,
लेकिन मेन सप्लायर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? क्या कार्रवाई की गई? इनके एक गुंडे विधायक हैं, वो हत्या कर देते हैं, जिसकी हत्या होती है उनकी बीवी हमारे साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी सच्चाई बताती है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इनके मंत्री जो हैं झूमते रहते हैं, ठुमका लगाते रहते हैं शराब के नशे में, कोई कार्रवाई नहीं होती है। मंत्री जो है तस्करी कराता है, उसका भाई भगना सब इसमें इन्वॉल्व है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। थाना खुला कि नहीं खुला बताएं ज़रा, क्या चल रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है? उल्टा सदन के अंदर लोकतंत्र के मंदिर पर विपक्ष के नेता को मुक्का दिखाया जाता है, अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, बोलने से रोका जाता है, डिप्टी सीएम ताली ठिप ठिपा रहे हैं। ये घटना कितना अशोभनीय है। अब बताइए मेरे पास कौन सा प्लेटफॉर्म? मेरे पास तो ये सदन ही है एक प्लेटफॉर्म, जहां हमको अधिकार है कि अपनी बात को हम रख सकते हैं, और हम हर एक चीज जो है बिना हमको सब किसी का चरित्र हनन करने का हमको शौक नहीं है। हम बेकार की फालतू बातें नहीं करते, बिना एविडेंस के बिना तथ्यों के हम किसी पे आरोप नहीं लगाते जब तक हम खुद से देख ना लें। मानहानि का मुकदमा करेंगे, मानहानि का मुकदमा करेंगे, अब तक कर ही नहीं रहे मानहानि का मुकदमा। जरा जल्दी कर दे, हम भी इंतजार में हैं। उसका जवाब देने के लिए हम इच्छुक हैं, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं भाई? ये किस बात के मुख्यमंत्री हैं, किस बात के गृह मंत्री हैं? कहें कुछ नहीं। इसलिए ये बड़ा शर्मनाक घटना है, और एक तरह से सरकार के लोग डिफेंड कर रहे हैं। अद्भुत तो तब ये लगता है कि सरकार के लोग डिफेंड कर रहे हैं। अगर 66% मंत्री दागी हैं तो दागी हैं, जो कि कई सर्वे एजेंसी द्वारा हमको जानकारी मिली, डॉक्यूमेंट द्वारा, उनके एफिडेविट द्वारा जानकारी मिली। जब सदन में हमको कुछ कहने का, सप्लीमेंट्री पूछने का, कोई बात को रखने का, अति महत्वपूर्ण घटना हो गया उसका जिक्र करने का विथ एविडेंस नहीं रख सकते हैं, तो सदन का क्या काम रह गया फिर? इसलिए ये गंभीर मसला है। हम फिर से हम अपील करेंगे कि मंत्री जी अगर हमारी बातों को सुन रहे हो तो थोड़ा प्रोड्यूस कीजिए डॉक्यूमेंट, रेंट का एग्रीमेंट, ट्रांजैक्शन हुआ होगा एग्रीमेंट के तहत जिस अकाउंट में, वो भी प्रोड्यूस कर दें, पब्लिक डोमेन में डाल दें, पता चल जाएगा। और आपका लेना देना नहीं है तो हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, इनके पुलिस डायरी में सब कुछ है, पुलिस ही कह रही है कि अवैध है तस्करी करना, पिकअप वैन उनका है, परिसर उनका है, तो मुख्यमंत्री बैठे क्यों? उनके भाई को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे भाई? मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? उनके भगनी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? अब इतना एविडेंस आने के बाद भी हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जो है कुछ कार्रवाई करेंगे, नहीं तो 1 अप्रैल को सीएम हाउस में एक दारू का ठेका खोल लेंगे जिससे मंत्रियों को बचाया जा सके, और तो कोई उपाय है नहीं। अब तो सार्वजनिक है, लोग जो है बिहार के लोग जो है सरकार पे थू थू कर रही है कि किस स्तर तक ये लोग जा सकते हैं। और इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल होगा तो आप तो पूछ सकते हैं। तेजस्वी जी, कल आपने 66% मंत्रियों पर दागी बताया तो विजय सिन्हा ने कहा कि साबुत दिखाई, कब दिखाएंगे? कल सदन में आपसे विजय सिन्हा ने बोला कि साबुत, आपको दिखा रहे तो उन तक नहीं पहुंच रहा होगा तो आपका क्या काम है? लेकिन उन्होंने सदन में वो भी रिटर्न में हम लोग दे देंगे। अब ये गाड़ी का नंबर हम फिर से, जो पिकअप वैन जो है BR 06 C
1996 BR06 C for cat 1996। ये पिकअप मैन है जिसके मालिक जो है मंत्री के भाई हंस जी। बिहार में मंत्री के परिवार वाले ज्यादा काम करते दिख रहे हैं, अभी एक मामला आया जिसमें नल जल योजना की समीक्षा करने गए थे। नहीं, आप, 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 आप देख लीजिए ना, हमने कल कुछ गलत कहाँ बोला? हमने बोला कैसे कैसे मंत्री बन जाते हैं लोग, ऐसे ऐसे भी मंत्री बनते हैं जो चुनाव हारा हुआ हो, जो चुनाव जो है वो हारा है। एक मंत्री ऐसे हैं जो 9 महीने से चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो उसका कोई सदस्य नहीं है फिर भी मंत्री बना हुआ है। एक मंत्री हैं कि उनके भाई उद्घाटन पूरा बिहार में जिला में करते चलते हैं, और एक और मंत्री आए हैं जिनका बेटा जो है वो जांच करने निकल गया अधिकारियों के साथ, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहाँ इस सब चीज़ की जानकारी होगी? उनसे तो जब पूछा जाए तो उनको जानकारी कहाँ होती है? हालांकि वो पढ़ते लिखते सब हैं लेकिन जानकारी नहीं होती है। तो आप इसमें हम लोगों ने जैसा आपको बताया कि एक हफ्ते में अगर उनके परिसर में थाना नहीं खुलता है और 1 अप्रैल तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग 1 हफ्ते बाद जो है, 1 सप्ताह में अगर थाना नहीं खुलेगा उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो 1 हफ्ते बाद हम लोग मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। और हम अपील करते हैं कि जिन जिन लोगों का मद निषेध कानून में उनका परिसर आवास घर या कोई भी जब्त हुआ होगा वो मुख्यमंत्री पर केस मुकदमा करें कि ये दोहरी नीति क्यों। हम सभी लोगों से अपील करेंगे बिहार में जो मद निषेध कानून के तहत जिनकी कुर्की जब्ती हुई हो या परिसर को सील किया गया हो, कोई भी कैंपस हो घर हो, वो मुख्यमंत्री पर मुकदमा करें और ये सवाल पूछें कि मंत्री के भाई के परिसर की में आपने ना थाना खोला ना कुछ करवाया तो दोहरी नीति उनके साथ क्यों हो रही है। और 1 हफ्ते बाद राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथी मिलकर के 1 हफ्ते बाद मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करेंगे। क्या सवाल पूछे थे? 7 अप्रैल को ना हमने बोला कि आप बार बार उनसे लीज का डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, कल उन्होंने अभी पहले भी आपने लीज पेपर मांगा था, आज उन्होंने कल दिखाया और बताया कि 5 साल की लीज हुई है और ₹2000 महीने पर लीज हुई है उस जमीन की। आप देखे हैं डॉक्यूमेंट? अरे बिना, अरे भाई पब्लिक डोमेन में स्कैन करके डाल दें या डिस्ट्रीब्यूट करवा देते कॉपी। अगर वैसा कोई पंक्तियां अगर उन्होंने पढ़ी हैं, शायद जिसका जिक्र कर रहे हैं हमको भी याद है, कह रहे थे कि कोर्ट वोट बंद होता है, अब तो कोर्ट खुल गया है, सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हैं। सर्टिफाइड कॉपी निकलवा करके थोड़ा पब्लिक डोमेन में डाल दें तो उससे भी तो मुकर गए। तो वीकेंड पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसके बाद अब तो वीकडे चल रहा है। आपको चुनौती भी देखिए, गांधी मैदान में खड़िया लेंगे, आइए। नहीं, नहीं, वो हमारे वो अपने ही थाना के पंचायत में कोई भी हमारे पार्टी के लोगों से फड़िया ले पहले। सदन के अंदर पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके का चल रहा है गतिरोध, और जैसा कि आप लोगों का आरोप है कि सरकार और पक्ष आप लोगों की बात नहीं सुन रहा है, सवालों को नहीं सुन रहा है और जवाब नहीं दे रहा है, और जैसे जैसे मंत्रियों की भाषा रही है सीएम की आप बात कर रहे हैं या फिर सीएम की ही बात क्यों न करें, आपको नहीं लगता है कि आपको और आपकी पार्टी या फिर विपक्ष के जो भी युवा लोग हैं उनको पक्ष सरकार बहुत लाइटली ले रही है, बहुत हल्के में ले रही है आप लोगों की बातों को? आप लोग कहा जा रहा है कि आप लोगों को नियमों का ज्ञान नहीं है, ऐसा
नहीं, जब लोग फंसते हैं जिनके पास कोई जवाब नहीं होता वो इस तरह की बातें करते हैं। सरकार कितना लाइटली ले रही है, क्या कह रही है, आपका सवाल कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकार जो है विपक्ष के सवालों का, एविडेंसों का जवाब उनके पास नहीं है। अगर जवाब होता तो ज़रूर वो देते, और ये तो परंपरा रही है। जब जवाब नहीं होता तब इधर उधर की बातें की जाती है, पर लोग कर रहे हैं इधर उधर की बातें, लेकिन हमारा काम है इधर उधर से मुद्दे पे लाना।